क्या पानी खत्म होने जा रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसका जवाब देने में समय लगाएंगे, क्योंकि अभी आपको आपके जरूरत के हिसाब से पानी मिल जाता है। पर यह कब तक संभव है, यह एक अलग मसला है। तो आज मैं आपसे इसी की समस्या और समाधान के विषय में बात करने वाला हूँ। गर्मी आते आते भारत के ज्यादातर हिस्से पानी की किल्लत से जूझने लगते हैं। इसके लिए खराब प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पर यह समस्या नई नहीं है, पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक हमें इस समस्या से आगाह करते आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में मौसम का भारी फेरबदल देखने को मिल रहा है। रेगिस्तान में बाढ़ आ जा रही है और पानी वाले इलाकों में सूखा पड़ रहा है। चूंकि दुनिया के कुल आबादी का 17.5% हिस्सा केवल भारत में रहता है, तो पानी की समस्या यहाँ ज़्यादा भयंकर रूप लेने वाली है। लोगों का पानी की मांग खतरनाक स्तर तक बढ़ी है। यह पानी बचाने के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। पेयजल के लिए उपयोग की जाने वाले पानी का 85% हिस्सा हम जमीन से ही निकालते हैं। हम पानी जमीन से तो निकाल रहे हैं, पर जमीन के अंदर पानी फिर से वापस जाना काफ़ी कम हो गया है। बढ़ता शहरीकरण और जमीन पर बिछती कंक्रीट की चादर इसकी खास वजह रही है। चूंकि जंगल बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करके जमीन के अंदर तक पहुंचाते हैं, पर अब जंगल की कटाई की वजह से जमीन काफ़ी नंगी हो चुकी है, जिससे पानी अंदर तक नहीं जा पा रहा। यह एक अलग सी समस्या है, क्योंकि वह पानी जंगल के ना होने की वजह से सीधे बह करके समुद्र में मिल जाता है। केट ब्राउमिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा में साइंटिस्ट हैं। वे बताती हैं कि पानी की असली समस्या उसकी उपलब्धता और उसके उपयोग का तरीका है। इनके हिसाब से आने वाले समय में पानी तो होगा, पर वो कैसा और कितना होगा, यह एक सोचने वाली बात होगी। ज्यादातर वैज्ञानिक खराब प्रबंधन को ही पानी के इस समस्या का असली जिम्मेदार मानते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर 70% पानी है, तो ऐसी स्थिति में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताते चलूँ, समुद्र का पानी पीने लायक बनाने में काफ़ी खर्चीला है, और हम जब नमकीन पानी से नमक को अलग कर रहे होंगे तो वह भारी मात्रा नमक हम कहाँ रखेंगे, जिस जमीन पर रखेंगे वो उस जमीन का क्या होगा। यह ठीक उसी जैसा है, हम इस हरी भरी पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं और सौरमंडल में रहने लायक ग्रह को तलाश रहे हैं। शुद्ध पानी का अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं, तो मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी को पीने लायक पानी बनाने में 1000 वर्ष का समय लगता है। अब आप मीठे पानी की कीमत का अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक पानी के विषय में हमेशा से जागरूक करने का प्रयास करते आए हैं। इनके अनुसार हमें जमीनी स्तर पर सुधार की जरूरत होगी, जिसमें बारिश के पानी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जमीन के अंदर पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। हमें ऐसी जमीन तैयार करनी होगी जो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली लानी होगी और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का सिलेबस ज्यादा हो। लोगों के बीच पानी के प्रति जागरूकता पैदा करके इस समस्या से हम आसानी से निपट सकते हैं। यह एक पानी बचाने का कारगर उपाय हो सकता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।